अगर आप 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं और आपकी इमाम साहब से 2 रकात नमाज निकल चुकी है, तो आपको वे 2 रकात नमाज किस तरीके से अदा करनी है, पूरी वीडियो देखते रहिए भाई। जब इमाम साहब दूसरा सलाम फेरने लगे तो आपको अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाना है। अल्लाह अकबर, यहाँ आपको सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़नी है, यानी सना पढ़नी है आपको। फिर उसके बाद अऊज़ु बिल्लाह पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ आपको पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सी सूरत जो आपकी याद है वो पढ़नी है। उसके बाद फिर आपको अल्लाहु अकबर कहकर रुकू करना है। अल्लाहु अकबर, यहाँ रुकू में 3 तस्बीह पढ़नी है, सुभान रब्बियल अज़ीम। फिर आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर खड़े हो जाना है। फिर आपको अल्लाहु अकबर कहकर सजदे करने हैं 2, सुभान रब्बियल आला। ये तस्बीह पढ़कर आपको सीधे खड़े हो जाना है अल्लाहु अकबर कहकर। फिर यहाँ पर आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी है, औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़नी, बिस्मिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़नी है यानी अल्हम्दु शरीफ। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर जो सूरत आपकी याद है वो पढ़नी है। फिर आप रुकू कर लेंगे, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। फिर आपको अल्लाहु अकबर कहकर 2 सजदे करने हैं, सुभान रब्बियल आला। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको बैठ जाना है। यहाँ पर आपको अत्तहियात पढ़नी है, दरूद शरीफ पढ़नी है, दुआए मासूरा पढ़नी है, फिर आपको सलाम फेर लेना है। ये आपकी 2 रकात नमाज कंप्लीट हो जाएगी।